तुम्हारी जान जो बचाई। तुमने मारूफ को क्यों मारा? तुम्हें उससे मतलब? नाम क्या है तुम्हारा? गुल जहांगीर। भाईजान, खाना तैयार है। आता हूँ। बाप को फौज ने मारा और भाई को मिलिटेंट्स ने, और फिर भी जनाब आजादी के ख्वाब देख रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? किसी के आजाद कश्मीर लिखने या बोलने से आजादी नहीं मिल जाती जनाब, कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे शब्बीर साहब ने दी है। देखिए, मैं चाहता हूं कि इस बार सारी पार्टियां एक छत के नीचे आ जाएं। हमें इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। बाबा मारूफ गद्दार था और गद्दार को पूछकर नहीं मारा जाता। बेटी, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने जुनून को काबू में रखने की कोशिश किया करो। बड़ी बी की इजाजत के बिना तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। फातिमा स्क्वाड या परवेज को साथ ले जाती? जोश में होश खो बैठती है ये। हम बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है परवेज। बाबा, लेकिन इस मुहिम में मैं बहुत से अजीज खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता। बेटी, अपने वालिद की तरह एक अजीम लीडर बनो। बाकी कामों के लिए पुलिस है। जी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक छू। बाजी, बदमालू में सबीना के घर का पता चल गया है। मारूफ ने असला वहीं दिया था। फातिमा स्क्वाड को तैयार करो, जुम्मे की नमाज वहीं पढ़ेंगे। जी। और पता करो ये कुल जहांगीर कौन है।